चलिए कुछ अलग तरीके से आपको समझाते हैं कि अध्यापक का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी अधिक यूजफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलने वाली है। हम वीडियो को शुरू करते हैं और अध्यापक का बहुवचन के बारे में जानने से पहले आपको बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। और वहीं पर दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अध्यापक जो शब्द होता है वह एक एकवचन शब्द माना जाता है, और इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि स्कूल में श्रवण अध्यापक ही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक किसी खास व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अध्यापक एकवचन शब्द होता है। और वहीं पर अगर इसके बहुवचन की बात की जाए तो वह अध्यापक गण होगा, यानी सभी अध्यापकों के लिए अध्यापक गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसे उदाहरण के रूप में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इस स्कूल के सभी अध्यापक गण से निवेदन है कि कृपया बच्चों को अच्छा ज्ञान दी। इस तरह से दोस्तों, सभी अध्यापकों के लिए अध्यापक गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका मतलब हुआ कि अध्यापक गण जो शब्द होता है वह एक बहुवचन शब्द होता है, यानी अध्यापक का बहुवचन शब्द अध्यापक गण होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि अध्यापक किसे कहते हैं। अध्यापक शब्द का अर्थ होता है शिक्षक। अध्यापक एक व्यक्ति होता है जो कि शिक्षा क्षेत्र में काम करता है और छात्रों को विभिन्न विषयों और ज्ञान की प्राप्ति कराने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अध्यापक का बहुवचन शब्द अध्यापक गण होता है, और इसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यह अच्छी तरह से याद कर लेना है कि अध्यापक का बहुवचन शब्द अध्यापक गण होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।